नमस्कार, ट्रुल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार। फतेहाबाद में जन परिवारवाद एवं कष्ट निवारण समिति ये बैठक का आयोजन किया गया। बिजली मंत्री रंजीत चौड़ाला ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 8 मामले रखे गए थे, जिसमें से एक मामले का निपटारा किया गया, बाकी अलग बैठक में के लिए पेंडिंग रखे गए। निपटारा हो पाया, जबकि अन्य मामलों को पेंडिंग रखा गया। आपको बता दें, ये बैठक 8 महीने बाद हुई थी। एंड पे थी, हमने सब कुछ और काफ़ी जो सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था सेटिस्फैक्ट्री, सब लोगों का केस डील करने का सब रहा, मामला ठीक लगा। अब रबर आते रहेंगे, कोई विशेष बात आज थी नहीं, एक सेरेमोनियल पहली मीटिंग थी। अगली बार जब भी कुछ होगा या आप जो भी कुछ पूछना चाहें मेरे से पूछ सकते हैं, आपसे जवाब। कितनी शिकायतें थी सर, कितनों का निपटारा किया गया? हमें 8 केस थे जिनमें एक का निपटारा हुआ, बाकी 7 जो थे उनमें कुछ लोग आए नहीं थे, इस करके वो पेंडिंग हो गई। रणजीत चौटाला ने नागरिकता संशोधन कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की संसद सर्वोपरि है, संसद द्वारा बनाए गए बिल का देश की जनता को सम्मान करना चाहिए। वहीं उन्होंने 8 जनवरी की कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हड़ताल संबंधी नोटिस मिलने के बाद जो भी संभव होगा उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, किसी ने नोटिस दिया तो उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उससे बातचीत डिस्कशन, ये तो हमेशा रहता है, कोई आएगी जब ऐसी कुछ। हड़ताल से निपटने के लिए क्या प्रबंध रहेंगे अगर कर्मचारी हड़ताल चले जाते? देखिए, आएंगे तो तब का इशू है ना, आज उस पर क्या कहेंगे, तो एंटिसिपेटेड क्वेश्चन आपका। जन परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक मात्र औपचारिकता भर रही। बैठक में 8 मामलों में से सिर्फ एक ही मामले का निपटारा हो पाया, बाकी मामलों को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, टोटल न्यूज़।